अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं तांदल्यावाला से, जहां पर तांदल्यावाला शुगर मिल यूनिट कंजवानी अलमारूफ कातिल मिल इंतजामिया की बेहिस्सी और लापरवाही एक और मजदूर की जान ले गई। अमीन गुजर नामी मजदूर देसी चीनी बनाने वाली मशीन के सामने बैठा था कि अचानक मशीन की बास्केट फटी जो उसे जोर से लगी, जिससे जांबहक शख्स तकरीबन दूसरी मंजिल के बराबर ऊंचाई से जमीन पर गिरा, जिससे 40 साल अमीन मौका पर ही दम तोड़ गया। इस पर मजीद रिपोर्ट करेंगे अली हसन साबरी। जी, ये अफसोसनाक वाकयात थानागढ़ फतेहशाह के इलाका तांदल्यावाला शुगर मिल यूनिट कंजवानी अल मारूफ कातिल शुगर मिल में पेश आया, जहां पर एक मजदूर दौरान ड्यूटी मशीन की जद में आकर जहां बहक हो गया। फटने वाली बास्केट का एक हिस्सा जहां बहक होने वाले मजदूर को ऐसे जोर से लगा कि मरने वाला तकरीबन दूसरी मंजिल जितनी ऊंचाई से जमीन पर आ गिरा और मौका पर ही दम तोड़ गया। बास्केट इतनी जोर से लगी कि मजदूर बेचारे का एक बाजू भी तन से जुदा हो गया। इस मौका पर मिल इंतजामिया की बेहिसी और लापरवाही एक बार फिर देखने में आई। अपनी नाइली और लापरवाही पर पर्दा डालने के लिए नाश को किसी ने तकरीबन एक घंटा तक हाथ तक नहीं लगाया, बल्कि फटने वाली मशीन की बास्केट और मशीन को ही कवर करने में लगे रहे ताकि कोई नया केस न बन जाए। पुलिस थानागढ़ इतला मिलते ही मौका पर पहुंची तो मिल इंतजामिया की दौड़े लगी हुई थी, जिसके बाद नाश को मिल की डिस्पेंसरी में मुंतकिल कर दिया गया। याद रहे, इसी मिल में चांद रोज कब्ल समुद्री का मुनीर नामी शहरी भी उबलते गर्म पानी के तालाब के गिर्द हिफाजती जंगला न होने से इसमें गिरकर जहां बहक हुआ था। ये दूसरा मजदूर गरीब है जो मिल इंतजामिया की लापरवाही, नाअहली और बेहिसी की भीड़ चढ़ा है। जी,